जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप कर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोए गरीब को, जो तुम पे नहीं जाते है टारो। जब इस तरह से अनुनय और विनय हम करते हैं भगवान के श्री चरणों में, तो हमारे कार्य अवश्य पूरे होते हैं। बहुत सारे शनि और मंगल के दोष के कारण भी बच्चों का विवाह रुक जाता है, दुर्घटनाएं होने लगती हैं। यदि कोई इस तरह की समस्या है कि विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं या निरंतर घर परिवार में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और शनि का प्रकोप है। उसे दूर करने के लिए हनुमान जयंती का दिन सबसे श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में मैं एक महाउपाय ऐसा बताने जा रही हूँ जिसको करने से विवाह में के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी, साथ ही साथ यदि दुर्घटनाएं और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही तो उनका भी अंत होगा। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कि उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हनुमान जयंती 27 अप्रैल को है। हनुमान जयंती का दिन इतना पवित्र, पावन और प्रमुख है कि जो भी आप हनुमान जी के श्री चरणों पर मनोकामनाएं रखते हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। बहुत सारे बच्चे विवाह के ना होने के कारण बहुत परेशान हैं, उनके मार्ग में बहुत सारी विवाह के मार्ग में बाधा है, चाहे मंगल का दोष है, शनि का दोष है, वास्तु दोष है, कुंडली दोष है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा दोष है। बहुत सारे बच्चों के लिए तो उपाय हम इतने बताते हैं, किसी को कोई काम कर जाता है, किसी को कोई काम कर जाता है, लेकिन किसी को कोई भी काम नहीं करता। तो कोई बात नहीं, ना तो आप हिम्मत हारेंगे ना तो मैं हिम्मत हारूंगी, हम लगे रहेंगे जब तक कि कार्य पूर्ण ना हो जाए। तो हनुमान जयंती पर आपको क्या करना है, चाहे लड़के का विवाह में बाधा आ रही हो या लड़की के विवाह में बाधा आ रही हो, आपको क्या करना है कि नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, 5 बरगद के पत्ते लेने हैं। बरगद में मीन्स बनियन ट्री, मीन्स वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़। जैसे पीपल का पेड़ होता है पूजनीय, ऐसे ही बड़ का पेड़ भी पूजनीय होता है, मंदिरों में अक्सर लगा होता है। और पीपल के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन बड़ के वृक्ष पे से आप पत्ता तोड़ भी सकते हैं। आप पहले दिन ही 5 बहुत सुंदर सुंदर से पत्ते लेकर आइएगा। 5 आपको आटे के दीपक बनाने हैं और उसमें चमेली का तेल डालना है, सिंपल रुई की बाती डालनी है, सिर्फ इतना ही करना है। 5 बरगद के पत्ते बिल्कुल सुंदर चिकने चिकने, 5 आटे के दीपक, उनमें चमेली का तेल और बाती, ये लेकर आपको मंदिर जाना है। आप चाहे तो ये सामान इकट्ठा करके ले जाएं, वहाँ पर पत्तों के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज के सामने रख सकते हैं। आप ये वस्तु लेकर हनुमान जी के मंदिर में प्रातः काल ही चले जाएंगे। लड्डुओं का भोग हनुमान जी महाराज को लगाना है, वो आप अपने साथ में लेकर जाएंगे। वहाँ जाएंगे, हनुमान जी महाराज के सामने अपनी प्रार्थना रखेंगे। कौन सा ऐसा दोष है, कौन सा ऐसा संकट है जो मेरा आपसे टाला नहीं जाता है प्रभु, सारी दुनिया के संकट टालने वाले हो, मेरे संकट भी टालो। कौन सा ऐसा दोष मंगल और शनि का मेरे ऊपर, मेरी कुंडली में, मेरे परिवार पर है कि निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं, निरंतर कष्ट, निरंतर बीमारी ने घेरा है, विवाह बच्चों के हो नहीं पा रहे। जो भी आपके मन में भाव उमड़ कर आए ना, भगवान के सामने रख दो। अगर आपके नेत्रों से अश्रु भी निकल जाए उस समय, तो समझ लो आपकी पूजा सफल हो गई। ऐसे अनुनय विनय करते हुए आप 5 बरगद के पत्ते पर 5 आटे के दीपक लगाकर वहां जला दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और लड्डुओं का भोग लगाइए। उसके पश्चात अपनी प्रार्थना रखने के बाद आप अपने घर चले आइए। ऐसा आपको 11 मंगलवार करना है। हनुमान जयंती यानी 27 अप्रैल से प्रारंभ करके 11 मंगलवार करना है। अगर लड़कियां इस कार्य को करने में बीच में बाधा महसूस करेंगी तो वो आगे कंटिन्यू कर लेंगी उस मंगल को छोड़कर। लड़कों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आती। अगर बच्चे बहुत दूर हैं और वो इस कार्य को नहीं कर पाते, उनके मम्मी पापा कर सकते हैं। बच्चों के नाम से संकल्प लेकर कर लीजिए। बहुत बहुत सारी परेशानियां आपके परिवार की, आपके जीवन की, आपके दिमाग की, आपके मन की दूर हो जाएंगी सिर्फ इस एक महाउपाय से, श्री हनुमान जयंती पर। भरोसा करके, श्रद्धा और विश्वास के साथ करके तो देखिए एक बार, हो सकता है सारे संकटों का नाश हो जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित ही नहीं, मतलब बहुत उपयोगी साबित होगी और आपके बहुत काम आएगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का खासा ख्याल कीजिए। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे संभाल कर रखिए। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।